गरम होगा भैया, पकड़ो। ये पनीर डाल रहे ऊपर से, ऐसे ऊपर से पनीर भी आ गया इसके ऊपर, बहुत औसम लग रहा है देखने में। आलू की जगह पनीर भाई, इसके अंदर 9 कटोरी हमारी चटनी है, 8 कटोरी 12 कटोरी जो है ये हमारी आलू की सब्जी, इसके ऊपर पनीर डाल रखा है। तो हमारे डोसे की जो मेकिंग है वो स्टार्ट हो गई है, और अभी फिलहाल तो जो इसका तवा है उसको ठंडा किया जा रहा है, और उसके ऊपर ये इसकी फिलिंग आ गई है हमारे डोसे की। तो ये पनीर की भुर्जी है, पनीर की भुर्जी ये डलेगी डोसे के अंदर, डोसे के अंदर डलेगी भाई। ये हमारा 10 फीट का डोसा है और सबसे बड़ा डोसा है, इससे बड़ा डोसा तो नहीं मिलता अंकल कहीं, इससे बड़ा डोसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने बहुत मतलब काफ़ी डोसे ट्राई करे हैं, पर 10 फीट का नहीं करा हमने कभी, 8 फीट का तो हमने भी ट्राई कर रखा है, पर अंकल आज तो चैलेंज जीत के जाएंगे हम। आप जीत के जाओगे जब तो लोगों को लगेगा कि आप इस चीज से खा सकते हैं, तभी जाएंगे। सो गाइज, जो हमारे डोसे की फिलिंग है वो गर्म हो गई है, और रिसेंटली गाइज मेरे को ना एक ऐप के बारे में पता लगा जिससे आपको जो जॉब है बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन के बाद जो है जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो भाई वो ऐप जो है आपको जॉब प्रोवाइड करवाई देगी, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन अंदर मेंशन है उसका नाम है अपना। सो गाइज, इस ऐप से बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, इसको बस आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दिए हुए से, उसके बाद आपको उसके अंदर रजिस्टर करना है, और आपको अपना रिज्यूमे CV जो होता है उसको फिल करना है सारा, और आपको जो है जॉब उसके अंदर देखना शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लो। तो मतलब यार लॉकडाउन के अंदर तो आपको पता ही बहुत किल्लत है जॉब की, तो एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी जॉब पाने का। और गाइस देखो, ये प्लेट आ गई है हमारे 10 फीट के डोसे की, तो इसके अंदर जो हमारा 10 फीट का डोसा है वो लगाया जाएगा, और अब हमारे डोसे की मेकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट कर दो भाई, हमारे डोसा की मेकिंग शुरू हो गई है। और भैया सबसे पहले कितने लगेंगे अंदर अंकल ऐसे डोसे? ऐसे 3-3 फुट के 3 लगेंगे, 3-3 फुट के 3 लगेंगे, बाकी 1 फुट का और लगेगा, 1 फुट का और। भाई पहला तो लग गया, अब अभी दूसरे की बारी। अंकल खत्म करा है वैसे किसी ने इसको अभी तक? ना भाई, अभी किसी ने नहीं करा। हमारे पास है चैलेंजर, हमारे पास चैलेंजर है आज। भाई जी थर्ड आ गया इसका, सिर्फ फ्लैश ऑन करनी पड़ेगी, और हमारा लास्ट आ गया। ये एक फिट का होगा, ये छोटा सा नहीं पूरा जाएगा अभी। अच्छा अच्छा, ये पूरा दवाई 10 फीट का है ना अंकल? लगाना मत भैया, कितना टाइम लगता है अंकल बनने में इसे? 7-8 मिनट। बड़ी जल्दी बन जाता है, बन जल्दी जाता है, ख़त्म नहीं होगा जल्दी। सागर दो खा लेगा ऐसे, सागर 3 खा लेगा 40 मिनट, 40 मिनट में दो खा लेगा सागर, पूरा बोले सागर को सागर पे। ये तो सागर के स्नैक्स की तरह है। एक मिनट, ये अमूल का मक्खन है अंकल, अमूल मक्खन, असली मक्खन। कितनी टिक्की लग जाती है अंकल उस मक्खन की? 2 टिक्की। बंद कर दे। ओ भाई ले लो मक्खन डालो, जरा भी अंकल धमाका कर दिया अंकल ने। ये अंकल भाई पनीर भुर्जी भाई, जिसके अंदर फिलिंग आ गई पनीर भुर्जी की, पूरे डोसे में लगाई जाएगी अंकल ये। बंद करिए गैस, कौन सा इधर भी चल रहा है, और लगता सब्जी भी मिलेगी इसके साथ। कितना टाइम मिलेगा अंकल ख़त्म करने में इसे? 40 मिनट। 40 मिनट, कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता? ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। तो भाई जो फोल्ड होना शुरू हो गया, मजा आ गया भाई जी। देखो 10 फीट का डोसा हमारा,
भाई लेंस चेक करो इसकी। राहुल भी हाफ एक्स्ट्रा मिनट अलग से भाई जो प्लेटिंग के लिए रेडी हो गया है। और वो देखो भाई सब्जियां एकदम भरी पड़ी हैं उस प्लेट के अंदर। भाई जी देखो भाई इसकी गाइस इसकी प्लेटिंग कंप्लीट हो गई है। गरम होगा भैया भाई जी हमारा डोसा बन के रेडी हो गया है और ये पूरा बाहर आ गया। ये देखो भाई जस्ट लुक एट दिस भाई 10 फीट का इतना बड़ा डोसा। ठीक है आपने कभी इतना डोसा ट्राई करा है मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताना। गाइस ये देखो ये पनीर डाल रहे ऊपर से भाई ऊपर से पनीर भी आ गया इसके ऊपर। बहुत औसम लग रहा है देखने में। चैलेंजर का गायब है हमारा हल्का होने गया। एक मिनट भाई 7 कटोरी सांभर आ गया इसके अंदर पहली कटोरी। एक मिनट उधर उधर भाई 7 कटोरी सांभर इसके अंदर आ गया। सारी सब्जियां इसके अंदर सेट हैं और गुलाब जामुन रसगुल्ले भी रखे हुए हैं। चटनियाँ हैं बहुत सारी। गाइस ये देखो डोसा बन के एकदम रेडी हो गया है भाई। जाइंट डोसा है 10 फीट का पूरा। ये भाई ले रहा चैलेंज। गाइस ये देखो कितना बड़ा डोसा है। इसे अगर सीधा खड़ा कर दोगे तो मेरे ख्याल से पूरा ऊपर तक टच कर जाएगा ये आराम से। गाइस ये देखो भाई बहुत बड़ा डोसा है ये। 10 फीट का डोसा तुमने कभी ट्राई करा ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स मैंने भी आज से पहले 8 फीट का डोसा ट्राई कर रखा है। 8 फीट का हाँ 8 चैलेंज नहीं लिया था बस टेस्ट करा था। मेरी सेहत देख के लगता भी नहीं किसी को मैं चैलेंज कर पाऊँगा भाई। हमारा चैलेंजर ये रहा आलू की जगह पनीर भाई। इसके अंदर 9 कटोरी हमारी चटनी है। 12 कटोरी जो है ये हमारी आलू की सब्जी। इसके ऊपर पनीर डाल रखा है। बाकी जो बच्चे कुछ 7 सब्जियां हैं उसके अंदर आपको सांभर मिल जाएगा। और भाई हमारा पनीर डोसा है इसके अंदर पनीर की फिलिंग डाल रखी है। और भाई ये चेक करो अब कितना बड़ा डोसा है ये इसके अंदर। देखो आपको स्वीट के अंदर मिलेंगे तो रसगुल्ले हैं और यहाँ पे गुलाब जामुन डाल रखे हैं। पनीर होगा इस डोसे के अंदर भाई इतना पनीर है कि तेरे जिम डाइट पूरी हो जाएगी आज। गाइस ये देखो टोटल 32 कटोरी हैं इसके अंदर। आपको सारी ख़त्म करनी पड़ेगी 40 मिनट के अंदर। रेडी है सागर बस अब कर जाएगा तू स्नैक्स है तेरे लिए। प्रोफेशनल फूड ईटर है सागर। एक मिनट अंकल स्नैक्स भाई इतना बड़ा डोसा आज तो ख़त्म ही करके जाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है। भाई जीतूंगा ना पक्का स्नैक्स। चलो यार देखते हैं स्टार्ट। हाँ तो भैया तैयार हो? बिल्कुल तैयार खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो टाइमर करे चालू। बिल्कुल चालू करो। खा लिया तो 71,000 है 40 मिनट में करे चालू। और नहीं खा पाए भैया फिर नहीं खा पाए तो डोसे के पैसे दे देना बस। चलो इच्छा तो कुछ नहीं होगा ना। 1 2 3 शुरू करो भाई शुरू टूटपट। चल चल थोड़ा सा रहेगा भाई देखा अभी तो 7 सेकंड में सागर खा थोड़ा सा ये सागर बस चल। You can do it, सागर भरोसा है मैं तेरे पे बहुत ज़्यादा। अब बना ले सागर सागर बस हो जाएगा। चल 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 टेस्ट कैसा है सागर इसका? भाई चीटिंग कर सकते हैं वैसे? चीटिंग अलाउड है? किस बात की? भाई पूरी अनकट वीडियो डालेंगे। गेनिंग पे सागर आजकल जिम डाइट पूरी कर रहा है अपनी। जिम डाइट पूरी है आज। आ तो लेग्स मार लियो। चलो चलो मैकबुक लेके आएंगे आज तो। सागर को भी आना है 12 प्रो आना है सागर आज। 12 से 12 प्रो पे अपग्रेड करना है। 10R से 10R से 13 प्रो। हाँ सागर जल्दी खा पनीर मत देख थूसता जा बस। चम्मच है चम्मच तेरा चम्मच की जरूरत किसे है? कितना टाइम हो गया? अब 1.5 मिनट हो गए बहुत टाइम है अभी तो। हैवी हो गया है।
कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया, चल चल मैं बोलता हूँ सर। सर का फोन है, कहते कहाँ है? थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही बस, थोड़ा सा बचा। सागर 71 बजे जितवा देगा हमें। 7 कटोरी सांभर में से कितनी कटोरी खत्म हुई है अभी? आधी। अब नाश्ता भी कराने सागर साथ में। क्या लग रहा है अंकल, खाएगा? हाँ जी लग रहा भाई, हंसाया नहीं तो पनीर बचा है वहाँ पे। वो देख प्लेट एकदम साफ करनी है अंकल भाई, बिल्कुल जैसे आई थी वैसे दीजिए वापस। टाइम लग गया तो 4 मिनट ही हुए हैं। कोई नहीं होगा, आधा खत्म हो गया। अबे आधे 1/4 तो खत्म हो ही गया। चलो 4 मिनट में 1/4 तो हिसाब से 16 मिनट में खत्म। मैं 16 मिनट में सागर सेलिब्रिटी है भाई सागर। अबे खा जाएगा, टेस्ट कैसा है तो बता। इतना सोच के डायलॉग बोल रहा है भाई। एक कटोरी सांभर, एक खत्म पहली कटोरी भाई। ये कटोरी आ गई है और 5 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट ऑलमोस्ट। एक कटोरी सांभर तो खत्म हो गया, एक कटोरी सांभर खत्म कर दिया अंकल। 6 कटोरी और आलू कितना खत्म किया? शुरू भी नहीं करे। 12 कटोरी आज तो गए मेरे 70,000। मैं अकेले नहीं जाऊंगा अंकल, लैपटॉप लेके आऊंगा। फाड़ दो अंकल आप अभी से। साइन बस ऐसे रेडी रखो, जैसे ही खत्म करे एकदम साइन घुमा देना। घूम फिर के आ सकते हैं अंकल बीच में से 40 मिनट में? दौड़ता हुआ चला जा टर्मिनल तक। चेस्ट मार ले जिन तैसे लग रहा है भाई जी। देखो 8:30 मिनट हो गए हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा डोसा बचा ही हुआ है इसका, तो कोई नहीं, हमें भरोसा जी तो आएगा ही हमें आज। मैं सोच रहा था कि मैंने गलती तो नहीं करती, कम 11 मिनट रह गए। ओ 11 मिनट हो गए, 11 मिनट रह नहीं गए, हो गए 11 मिनट भाई। फिर भी इतना खा गया, एक आपके जैसे एक आए थे बहादुरगढ़ से चैलेंज, मेरे तो आप तो मिल गए। मैंने कहा भाई क्या होगा आज तो पता नहीं है। बंदे अरे नहीं उतने काम गलत नहीं करते, आधा डोसा खा गया हमारा बंदा भी, आधा खा चुका है अंकल। वैसे पहले तो पूछा आते हैं बैठा 10 मिनट बैठा रहा, फिर पूछा 30% हो गया है। 30% हाँ 30% तो खा गया सागर, और टाइम हो गया है 11:30 मिनट, 11:30 मिनट और इन्होंने 30% डोसा कंप्लीट कर दिया। डंड मारो 10-15 भाई 13 मिनट में हमें तो लगा रहा है आ जाएगा सारा। मैंने तो यार किस्त बंधवा दी मैक की, इतना नहीं करना कि तबीयत खराब हो जाए। हाँ भाई ज़्यादा जबरदस्ती वाले काम मत करना। बस हुआ नहीं तेरा, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं? कह रहा नहीं, गुलाब जामुन खा के मेरा हो गया बस। ये जा रहा है जिम भाई, 14 मिनट में इसने लगभग लगभग 30% हाँ 30% तो खत्म कर ही दिया भाई ने। 30 होगा, मैं ट्राई कर लूँगा अंकल बीच में घुस के। बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। नहीं कोई नहीं, चीटिंग नहीं करते हम, ईमानदार है। मैं इतना नहीं कर पाता। 35% डोसा खत्म कर दिया भाई, अभी भी देखो कितना बड़ा डोसा है। अभी भी लगभग 7.5 फुट का तो बताइए इसके अंदर, और भाई बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सागर तो टेस्ट पता नहीं क्या हाथ में भी नहीं लगा। जिम चला गया, जिम जा रहा है, जा कर रहा है तू, भाग कर रहा है, शक्ल छिपा रहा है। तो भाई मैं एक बार टेस्ट करके बताता हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा है। और गाइस जो उसका प्राइस है वो है 1500 रुपये, ये इनका सांभर। अब मैक नहीं आएगी, अब बैक आएगी। पेपर में एग्जाम में
उल्टा ही और की घर जाकर अंदर से खड़ा गजन की डोसा का टेस्ट है भाई, बहुत ऑसम है, एकदम थिन क्रस्ट है, अंदर पनीर की फिलिंग डाल रखी है। जो सांभर है भाई वो भी बहुत टेस्टी है, उन्होंने सांभर में दाल यूज़ करी है भाई, वो भी एक नंबर है। मेकिंग में अभी हमने आपको दिखाई भाई, बाकी सारा आइटम मतलब जो पनीर आलू है पनीर है भाई बस मस्त। और मेरे घर से बिल्कुल मतलब पीछे ही है इनकी दुकान, मैं तो इसके साथ वाली गली में ही रहता हूँ, बहुत टाइम से खा रहा हूँ मैं तो इनका डोसा भाई। टेस्ट जो है इनका मतलब जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट था जब इन्होंने दुकान खोली थी, अभी वैसा ही टेस्ट है, टेस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया भाई, एकदम ओपी चीज़ है ये। तो उसके एक और बाइट लेते हैं, बन की चटनियाँ ट्राई करते हैं। बाकी यार सागर ने सपने तोड़ दिए मेरे मैक के, मैं सोच रहा था लैपटॉप खरीद के आऊँगा, अपग्रेड करूँगा अपना फ़ोन, भाई टूटा फूटा फ़ोन चलाना पड़ेगा। चटनी देखो एकदम थिक, ऐसा नहीं कि पानी की तरह चटनी है इनकी, इनकी नारियल वाली चटनी है, और एक इनके इसके अंदर जो हरी वाली चटनी है वहाँ पे जो रखी है भाई वो हमारी पुदीने की चटनी है, उसके आगे है टमाटर वाली चटनी जो यहाँ रखी थी वो सागर ख़त्म कर गया, तो इसलिए दूर दूर जाके मेरे को आपको दिखाना पड़ रहा है भाई। टेस्ट एक नंबर है, चटनी भी बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब मज़ा आ गया खाने के बाद। चैलेंज है इसका, एक बंदे को 40 मिनट के अंदर ही पूरा 10 फीट का डोसा खत्म करना पड़ेगा, और आपको 10 फीट का डोसा पूरे इंडिया में भाई कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा स्वामी शक्ति सागर में जो कि उत्तम नगर में, और भाई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इसके अंदर मेंशन है भाई। अगर पूरे डोसे को ख़त्म कर दोगे तो 71,000 आपको मिल जाएंगे भाई, हमें तो मिले नहीं, किस्मत ख़राब हमारी फूटी किस्मत, इसकी वजह से शक्ल बना के बैठे अब देखो। मुझे पैसे देने पड़ेंगे 1500 रुपये सही है भाई, कुछ नहीं तो भाई एक और बाइट खा लेते हैं इसकी, मेरे को तो बहुत सही लगा, और पूरी मेकिंग भी देखी आपने इसकी। बाकी इसमें आपको स्वीट भी मिली है थोड़ी सी सागर ने खा ली, गुलाब जामुन रसगुल्ले मिले इसके साथ में आपको भाई। 1500 में आराम से 10 बंदे इसे खा सकते हैं, 10 से 12 बंदे तो आराम से खा लेंगे इसे भाई। अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपको फैमिली पार्टी करनी है तो भाई ये देखो अभी भी खाने में लगा है चैलेंज जितवाया गया तेरे से, ये काम कर रहा है अभी भी भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया भाई चैलेंज के लिए। ये भी ठीक है, सुबह से मैं इतने खा पाता हूँ। एकदम ओपी है भाई, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।